जालौर में कांग्रेस सरकार के एक साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्य को सराहनीय बताते हुए उनके विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए कांग्रेस के एक साल को बेमिसाल बताया और कांग्रेस सरकार को विकास की सरकार बताया। आहोर विधानसभा के कांग्रेस नेता व आमजन ने अपने विचार साझा किए। सरकार की एक साल जो पूरा हुआ है, सरकार को लेकर एक साल पूरा हुआ, क्या किस प्रकार रहा? राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनने के बाद, कांग्रेस पार्टी का शासन आने के बाद 12 महीने पूरे हो गए। पार्टी ने घोषणा की थी जालौर के अंदर, जब राहुल गांधी जी आए थे प्रचार के लिए MLA इलेक्शन में, तब 12 दिन के अंदर अंदर 2 लाख के किसानों के कर्जे माफ़ कर देंगे। अच्छा हुआ कि राजस्थान सरकार ने 10 दिन के अंदर ही वो वायदा पूरा करके किसानों के कोऑपरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अंदर जो लोन लिया गया था उसको तुरंत माफ़ किया गया। युवाओं के रोज़गार के बारे में बात करेंगे, शिक्षित युवा बेरोजगार है राजस्थान के अंदर, उनको हर विभाग के अंदर नौकरियां खोल करके सरकारी नौकरी का अवसर दिया गया है। प्रक्रिया कहीं पूरी हो गई है, कहीं शुरू हुई है, जो जल्दी ही पूरी हो जाएगी। विकास के क्षेत्र में बताएंगे, हॉस्पिटल के अंदर पहले दवाइयां मुफ्त में जो कांग्रेस पार्टी ने सरकार में शुरू हुई थी, उनकी संख्या बढ़ा करके 900 कर दी। बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, MI और भी जांचें हैं शरीर की, वो भी निःशुल्क कर दी है। चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सरकारी अस्पताल में जाए या रजिस्टर्ड जो हॉस्पिटल है उनके अंदर जाए और निःशुल्क दवाएँ उपयोग में ले और शरीर की जांचें भी करवाए। पशुओं के लिए भी राजस्थान सरकार ने निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की है, निःशुल्क दवाएँ भी दे रहे हैं। इसी तरह से जालौर ज़िले के विशेष रूप से मैं बात करूँ, जालौर ज़िले के अंदर नर्मदा का जो प्रोजेक्ट चल रहा है और जालौर की विधानसभा में हर गांव में पानी पहुंचे, उसको भी गति दी गई है और आज गांवों के अंदर PSP के कनेक्शन लग रहे हैं, पाइपलाइन भी सही जा रही है और शीघ्र ही आशा करते हैं कि और विधानसभा के हर गांव के अंदर नर्मदा का पानी पेयजल के लिए उपलब्ध होगा। हमने मुख्यमंत्री जी से मिल करके और भी सड़कों की, लाइट की, स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए निवेदन किया था, शिक्षक भर्ती शुरू हो गई, हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर्स और कंपाउंडर्स लगाए जा रहे हैं, विद्युत जो राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने मैनुफैक्चरर लागू किया कि घोषणा किया कि 5 साल में लाइट के बिलों के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, वो भी वायदा हम पूरा कर रहे हैं। इस प्रकार से आज राजस्थान का चहुमुखी विकास हो रहा है। पहले क्या होता था, जब वसुंधरा जी का राज आया उन्होंने घोषणा की थी हम जवई बांध से किसानों को पानी देंगे, हम नर्मदा का पानी 60 दिन में ले आएंगे, पूरे 5 साल से उनके बीच गए थे, लेकिन न जवई का बांध का पानी किसानों के खेतों में पूरा पहुंचा, न नर्मदा का पानी 60 दिन के अंदर आया गाँवों के अंदर। तो ये सारी की सारी मांगे हैं, सुविधाएँ हैं लोगों के लिए, वो हम पूरा कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार मिल करके राजस्थान को विकास की गति दे रहे हैं। जो पूरा हुआ है इस बारे में, क्या किस प्रकार जो विकास रहा है इसके बारे में थोड़ा बताएं। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जितना भी वायदा किया था चुनावों में, तो वो धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। बहुत ही कांग्रेस के कार्यकाल में एक साल में काफ़ी काम हुए हैं। किसानों का जो ऋण माफी था वो भी हो गया और जितने भी जो वादे किए थे तो बहुत ही तेज़ी से काम चल रहे हैं। और वसुंधरा जी ने काम नहीं किया वो भी हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो बहुत ही राजस्थान की जनता के हित में काम कर रहे हैं और राजस्थान की जनता बहुत ही शांतिपूर्वक बैठे हैं, बहुत ही कांग्रेस सरकार को साथी है। बहुत बहुत सरकार बनी 12 महीने हुए हैं, एक साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और उप मुख्यमंत्री जी सचिन जी पायलट साहब ने, दोनों नेता ने मिलकर के ने बहुत ही जन कल्याणकारी योजना चलाई है, जो किसानों के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी योजना है, जैसे खेतों में तारबंदी है, किसानों के ऋण माफी वाली जो योजना है वो बहुत ही बढ़िया है। आज किसानों के खाते में जो मुआवजा वगैरह जो है, मतलब क्रॉप कटिंग का है, फसल बीमा का है, वो सब मुआवजा मतलब सभी किसानों के खाते में आ गए हैं
और भी जो कोई शेष रहे वो भी आ रहे हैं, किसान भी खुश है और आम जनता के लिए, गरीब मजदूरों के लिए जो नरेगा योजना है उसमें और है जो सुधार किया गया है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को है जो मजदूरी है जो को दी गई है। किसानों के लिए कृषि कुएं पर लाइट है जो को कि कोई है जो को रेट नहीं बढ़ाई गई है और 5 साल तक है जो नहीं बढ़ाने की घोषणा की है, ये सबसे बड़ी है जो को मतलब उपलब्धि है कांग्रेस की। और दिन को जो रात को जो लाइट देते थे किसानों को वो अब है जो को परमानेंट है जो को सिंचाई के लिए दिन को लाइट अपने लाइट दी जाती है। अभी जैसे किसानों के अंदर है जो को अभी खेतीबाड़ी का समय है, सिंचाई का जो समय है, फुल प्लेस है जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं अधिकारियों को ऊपर से निर्देश दिए हुए हैं कि किसानों के कोई प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए, आम जनता आम गरीब के लिए कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जवाई बहन से जो सिंचाई हो रही है, पानी फुल चल रहा है, कोई किसान मतलब कोई किसानों की कोई शिकायत नहीं है, फुल गेज के साथ में बढ़ रहा है पानी चल रहा है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। और भी है जो को गरीबों के लिए बहुत योजना चलाई है, पेंशन का जो है पहले है जो 500 था वो बढ़ा दिया है, जो अब 750 कर दिया है, जिसकी 750 थी वो 1000 कर दिया है। चिकित्सा विभाग के अंदर जो भी कमी है, मतलब कहीं पोस्ट है जो खाली है डॉक्टरों की वगैरह, वो भी है जो शीघ्र ही है जो को भरी जाएगी। और दवाइयाँ निःशुल्क कर दी है, जांचें निःशुल्क कर दी है, बहुत ही योजना है जो अच्छी अच्छी है जो कि योजना लागू की है आम जनता के हित के लिए। मतलब आज पशुओं के लिए भी है जो कि बहुत ही अच्छी है जो कि योजना लागू की है, मतलब दवाइयाँ फ्री कर दी है, जांचें फ्री कर दी है, मतलब पशु हो चाहे मानुषी हो सभी का ध्यान रखते हैं गहलोत साहब और पायलट साहब, दोनों नेता मिल करके ने बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं जनता। आहोर जालोर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।